नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात उस टीके की जो आज हर इंसान के लिए जरूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन की। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस जंग में हमारा सबसे बड़ा हथियार है टीका। कोरोना को मात देने के लिए मध्य प्रदेश में टीकाकरण की स्थिति ठीक है, हालांकि दूसरे डोज में हम थोड़े पीछे जरूर हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन के दोनों डोज या पूरा डोज लगवाना कितना जरूरी हो जाता है। वैक्सीनेशन बेहद महत्वपूर्ण, वो भी तब जब दोनों डोज आपको लग जाएं। तो आज होगी इसी पर बात। देश में कई राज्य टीकाकरण में पिछड़े हुए हैं, आपको बता दें, लेकिन जिस तरह से टीकाकरण को लेकर बात हो रही है और ये भी चर्चा की जा रही है कि टीकाकरण को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश में दोनों डोज सभी को लगे हों। खासतौर पर जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टीकाकरण को लेकर इस बात कही जा रही है कि दोनों ही डोज लगाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में दूसरा डोज भी लगाना जरूरी हो जाता है अगर पहला डोज आपको लगा हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश टीकाकरण में सबसे आगे है, ये आप जानकर खुश हो जाइए अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो पहला डोज लगवाने में जिस तरह लोगों ने रुचि दिखाई, वहीं उत्साह दूसरे डोज में भी दिखाना होगा, तब जाकर हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी खुराक आपको आपकी सोच से ज़्यादा सुरक्षा देती है। ऐसे में दूसरा डोज भी लेना उतना ही जरूरी है जितना पहला। पहले डोज की तुलना में दूसरे डोज में हम थोड़े पिछड़ जरूर गए, लेकिन आगामी महाअभियान में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। अभी तक के टीकाकरण की बात की जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। करीब 45% महिलाएं वैक्सीन लगवा चुकी हैं, नहीं 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग भी वैक्सीन लगवाने में आगे हैं। अब तक 3,38,00,000 से ज्यादा महिलाएं तो 1,00,00,000 से ज्यादा बुजुर्ग टीका लगवा चुके हैं। अब 10 नवंबर से टीकाकरण का महाअभियान शुरू होगा, इसमें दूसरे डोज पर फोकस रहेगा। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन में अब हर दिन का लक्ष्य तय किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बनाना जहां सभी को टीका लग गया हो, इसलिए अब जिलों को दूसरे डोज पर भी फोकस करने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी चिंता की बात यह है कि प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी 2 से 2.5 लाख लोगों को पहला डोज ही नहीं लगा और दूसरे डोज में ये जिले काफी पिछड़े हुए हैं। नादी विशेष में आज बात हम प्रदेश के सभी जिलों का को लेकर करेंगे जहां टीकाकरण की स्थिति क्या है, ये भी जानने की कोशिश होगी और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे डोज को लेकर आखिर क्यों लोग इतना पिछड़ रहे हैं या उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उतना उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। सरकार के तमाम अभियान प्रयास तमाम, लेकिन बावजूद उसके भी हम देख रहे हैं कि दूसरे डोज को लेकर थोड़ा सा उत्साह या थोड़ी सी जागरूकता कम है, वो वजह क्या है और अभी तक जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने हैं। चलिए जल्दी से हम आगे आप चर्चा को बढ़ा लेते हैं ताकि अन्य जगहों के बारे में भी आपको पता चलता रहे। देखिए, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया था और ये जो हमने देखा था प्रोसेस भी जिस तरह से चला था उसमें ये भी चीजें साफ थी कि लोग टीकाकरण करा रहे हैं और खासतौर पर जब बुजुर्ग, हम देख रहे थे पहले बुजुर्ग, पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया गया था, फिर बुजुर्गों को दिया गया था और उसके बाद धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ते गए और लोग भी आगे आने लगे। चलिए, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि भोपाल में वो इस वक्त मौजूद हैं और राजधानी में जाहिर सी बात है जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि राजधानी में सबसे अच्छा स्टेटस है टीकाकरण का, लेकिन दूसरे डोज को लेकर विवेक लगातार जो खबरें सामने आ रही थी कि दूसरे डोज को लेकर उतना उत्साह, उतनी जागरूकता नहीं दिख रही। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, सेकेंड डोज को लेकर स्टेटस क्या है, कितने लोग ले चुके और कितने बचे हैं, और अगर नहीं भी तो उसके पीछे वजहें क्या हैं, सेंटर्स पर व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, तमाम चीजें। विवेक, देखिए, एक जरूरी बात यह है कि मध्य प्रदेश पहले डोज लगाने के मामले में देश भर में नंबर वन साबित हुआ था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका है और पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो टॉप 5 में शामिल है, यानी कि जो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर हुआ करता था वो 4 पायदान खिसक के 5वें नंबर पे आ गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार सहित स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जो है वो अब बढ़ गई हैं। जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि 31 दिसंबर तक हम ये वैक्सीनेशन के टारगेट पूरा कर देंगे, यदि स्वास्थ्य विभाग 10 नवंबर और 17 और 24 नवंबर को अगर वैक्सीनेशन का महाअभियान नहीं चलाता है तो ये टारगेट जो है वो पिछड़ जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो वैक्सीनेशन का जो कंप्लीट करने का जो दावा है 31 दिसंबर, इसकी डेडलाइन भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं राज्य सरकार की ओर से
जारी किए गए हैं, उनमें ये बताया गया है कि राजधानी सहित इंदौर और कई ऐसे जिले हैं जो बेहतर वैक्सीनेशन में परफॉर्मेंस दिया है, उसमें जो जो पिछड़े जिले हैं उनमें आगरमालवा, मुरैना और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ सबसे धीमा वैक्सीनेशन हो रहा है, लिहाजा अब जो है महाअभियान के जरिए जो है वो सेकेंड डोज लगवाने की राज्य सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरीके से लगा हुआ है और राजधानी की बात करें तो राजधानी में करीब 19 लाख से अधिक लोगों को जो है वो वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और 14.5 लाख जो है वो दूसरा डोज लग चुका है, लेकिन अभी 4.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लगना बाकी है। लिहाजा अब जो प्रशासन है वो तीन तरीके की जो है वो तैयारियां कर रहा है, एक तो ये है कि घर घर जो है वो वैक्सीनेशन अभियान चलाएगा, दूसरा जो मॉनिटरिंग सेल है वो इस बात की तस्दीक करेगा कि किस तरीके से लोग जो है वैक्सीन सेंटर में आ रहे हैं, एक बार उन्हें फ़ोन कॉल किया जाएगा, उसके बाद जो है वो जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो तामील करेंगी और फिर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। लिहाजा सबसे बड़ी जो चिंता है वो प्रशासन की ही है, लोग जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, एक डोज लगवाने के बाद दूसरे डोज लगवाने से कतरा रहे हैं, थोड़े से बेफिक्र भी हुए हैं। लिहाजा जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और जो क्षेत्र के SDM हैं वो सबसे ज़्यादा मशक्कत कर रहे हैं, जिन लोगों का दूसरा डोज जो है वो लगना बाकी है उन्हें कुछ फ़ोन किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि वाकई कब तक अपना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये बात कहते हैं कि हम वैक्सीन का डोज 2-3 दिन में लगा देंगे, लेकिन जब उनकी फिर से मॉनिटरिंग की जाती है तो उनके द्वारा वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया जाता। तो प्रशासन के पास यही सबसे बड़ी चुनौती है कि 4.5 लाख लोगों को किस तरीके से वैक्सीनेट किया जाए। जहाँ तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश समूचे मध्य प्रदेश में अभी 7.5 करोड़ लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाया जा चुका है, इसमें पहला और दूसरा डोज जो है वो शामिल है, लेकिन जो करीब 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन का पहला दूसरा डोज लगना बाकी है और 25 लाख जो लोग हैं उनको पहला डोज लगना बाकी है, यानी कि प्रशासन के पास दो चुनौतियां हैं, एक तो दूसरे डोज के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और 25 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन का पहला डोज लगाना अभी बाकी है, और सरकार जो है इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है, यदि जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ तो टारगेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि डेडलाइन जो है वो तय की गई है 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को तक अगर टीकाकरण का अभियान पूरा नहीं होता है तो डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। अब बात करें विवेक, आखिर क्यों जो दूसरा डोज है उसमें लापरवाही बरती जा रही है, अमला उस तरह से सजगता से काम नहीं कर रहा है, हालांकि कुछ तस्वीरें हमने देखी किस तरह से नदियों को नालों को पार करते हुए हमारा स्वास्थ्य अमला पहुंचा वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन कई जगहों पर क्या ऐसी भी कोई स्थिति है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। और तीसरा ये कि जनता में क्या सेकेंड डोज को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डोज को लेकर कई तरह के भ्रम थे, उसके बाद उन भ्रमों को दूर करते हुए प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया, लोग आगे आए, टीकाकरण कराया, लेकिन अब जो सेकेंड डोज है उसको लेकर किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति या लोगों के जहन में ऐसी कोई बात, इस बारे में भी बताइए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से मतदान के दिन जो है सभी वोटर जो है वोटरों के पास जो है वोट देने का अधिकार हो, इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग का अमला जो तैयारी कर रहा है हर व्यक्ति तक वैक्सीन लगाई जाए, इसको लेकर जो तैयारियाँ हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए की जा रही है, यानी कि पहले जिला स्तर, फिर तहसील स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, और ब्लॉक स्तर के जरिए जो है वो ग्रामीण अंचलों में जाके जो वैक्सीनेशन की जो टीम है, मेडिकल टीमें हैं, वो वैक्सीन कर रही है। लिहाजा इस वीडियो कुछ ऐसी तस्वीरें आई कि लोग नदी पार करके जा रहे हैं, पहाड़ पार कर रहे हैं, ये एक ही दो जगह पर स्थिति बनी, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन टीमों को की जा रही है, व्हीकल्स उनको दिए जा रहे हैं, मेडिकल के जो इक्विपमेंट है, जो नॉर्म्स है उनके तहत वैक्सीन ले जाने और लाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि लोग पहला डोज लगवाने के बाद जिस तरीके से बेफिक्र हुए हैं उसमें ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग परेशान है बल्कि राज्य सरकार की भी चिंताएं बढ़ी हैं, लिहाजा राज्य सरकार भी है वो अब महाअभियान शुरू करने वाली है और सबसे जरूरी जो बात है व्यवस्थाएं भी हैं कि दूसरा डोज लोगों को समय से मिल जाए, लेकिन अगर जनता किसी तरह से इस मामले में सजग नहीं है तो बेहद ध्यान रखना होगा आप सभी को, हमारे दर्शकों को जो भी इस अनादि टीवी के कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि अभी भी आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो मेहरबानी करके दूसरा डोज ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप दोनों डोज नहीं लेते तब तक आप कोरोना से पूरी तरह से सेफ
नहीं है। चलिए जबलपुर की बात कर लेते हैं, जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष हमें बताएंगे कि जबलपुर में टीकाकरण को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है। सेकेंड डोज सबसे ज्यादा जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि पहले डोज में हम नंबर वन थे, लेकिन सेकेंड डोज तक आते आते मध्य प्रदेश पिछड़ रहा है और इसे दोबारा से हम कायम रखें इसके लिए जरूरी है कि सेकेंड डोज हम समय पर ले लें। लेकिन बावजूद उसके क्यों आखिर सेकेंड डोज में हम पिछड़ रहे हैं, ये वजह है जबलपुर से क्या मिल रही है? जी चलिए मनीष से संपर्क टूट गया है, शायद हम कोशिश करेंगे दोबारा मनीष से जान सकें। तो देखिए जो जिले पिछड़े हैं टीकाकरण अभियान में उनमें अलीराजपुर शामिल है, उनमें श्योपुर शामिल है, उनमें हरदा शामिल है, उनमें आगर शामिल है। और टीकाकरण में जिन्होंने टॉप किया है उनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा और भी कुछ जिले हैं जो शामिल हैं, लेकिन टॉप चार जिलों में अगर आप नाम लीजिए तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा सबसे ज्यादा लोग जो टीकाकरण के लिए जागरूकता के साथ सामने आया, सजगता के साथ सामने आया, वो इंदौर से निकलकर सामने आया। सबसे ज्यादा लोगों ने टीका लिया, सबसे ज्यादा लोग जो सेकेंड डोज लिया है वो भी लोग जो है जागरूक हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में भी सबसे ज्यादा लोगों ने टीका लिया है और जबलपुर और रीवा यहाँ पर भी लोगों ने टीकाकरण अभियान में बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और टीका भी लिया, दोनों डोज भी लिए, लेकिन सेकेंड डोज तक आते आते परेशानियां बढ़ गई हैं। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है अपनी कि लोगों को सेकेंड डोज भी दिया जाए, लेकिन किसी वजहों से शायद आप ही नहीं निकल रहे घर से। चलिए मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जबलपुर में टीकाकरण अगर सबसे ज्यादा, वैसे तो टॉप फोर जो सिटीज हैं उनमें जबलपुर भी शामिल है, लेकिन अगर सेकेंड डोज में अगर हम पिछड़ रहे हैं प्रदेश में, तो जबलपुर से क्या वजहें मिल रही हैं कि क्यों हम सेकेंड डोज के लिए जो लोगों को है बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं? मनीष देखिए पारुल, जो समस्या इस समय हम देख रहे हैं वो आम जनता की ही देख रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरह से पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, प्रयासरत है, टीमें बनाई गई हैं और बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो भी बनाए गए हैं। इतने वैक्सीनेशन सेंटर कभी नहीं बनाए गए जबलपुर जिले में जितने इस समय बनाए गए। लगभग 100 वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर अर्बन सिटी में है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 180 है, तो मतलब 300 के आसपास के अगर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर सेकेंड डोज में हम पिछड़ रहे हैं तो ये वाकई एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इस तरह से जनता का जो रवैया है वो गलत है। जनता को थोड़ा सा जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट डोज में सहयोग किया था प्रशासन का और खुद को भी आगे लेकर आए थे और प्रथम डोज में जिस तरह से हमने नंबर वन हम आ गए थे, तो अगर उसी तरह से अगर जनता अगर फिर से सहयोग करती है, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के ये पॉसिबल नहीं है कि एक बार फिर से उतने उसी आंकड़ों पर पहुंचे और जल्दी पहुंचे। हालांकि हमने जब अभी टीकाकरण अधिकारी जिला जो है उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि 11.5 लाख लोगों को अभी तक जबलपुर में सेकेंड डोज लग चुका है और अभी लगभग 9 लाख लोग बाकी है, और उनका जो आज से जो उन्होंने महाअभियान चालू किया है 8 तारीख से, वो लगातार 15 दिसंबर तक लगातार युद्ध स्तर पर वो इसको छेड़ेंगे और उनका प्रयास है कि 15 दिसंबर तक हम पूरा कंप्लीट 100% सेकेंड डोज भी कंप्लीट करेंगे। और साथ ही अगर मान लीजिए फर्स्ट डोज किसी को नहीं लग पाया है, किसी वजह से वो छूट गया है, तो उसको भी घर घर जाकर ढूंढा जा रहा है कि किसका फर्स्ट डोज लगा है और किसका सेकेंड डोज लगना है। तो ये चीजें एक तरह से युद्ध स्तर पर की जा रही है, तो स्वास्थ्य विभाग को हम अगर दोषी ठहराएं या शासन प्रशासन को दोषी ठहराएं तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आम जनता अपनी खुद भागीदारी से बच रही है, जबकि ये बहुत ही बड़ी गलती कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं जनता की, क्योंकि हमें अगर कोरोना से सुरक्षित रहना है तो हमें पहले हमने देखा था जबलपुर की बात में अगर मनीष करूं तो कई खबरें ऐसी निकल कर जबलपुर से आई थी कि लोगों में ग्रामीण अंचलों में जो जबलपुर से सटे हुए हैं, कई खबरें इस तरह से कि लोग जागरूक नहीं थे। फर्स्ट डोज के बारे में भी हम अगर चर्चा करें तो टीकाकरण अधिकारी पहुंच रहे थे समझाने के लिए, स्वास्थ्य अमला उन्हें समझाने के लिए पहुंच रहा था, तस्वीरें तो ये तक आई कि परिवारों ने अपने घर के ऐसे जो लोग थे जो नहीं समझ रहे थे टीके की अहमियत, उनको पकड़ कर टीके लगवाए थे, ये तक तस्वीरें आई थी। तो उस वक्त जागरूकता अभियान और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश को तमगा मिल जाना कि हम सबसे ऊपर हैं टीकाकरण के मामले में, सेकेंड डोज को लेकर उतनी सजगता, उतने अधिकारियों की ललक कि वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, एक घंटा उनमें इसलिए वो लगा रहे हैं कि उन्हें समझाया जा सके कि टीका क्या है, वो चीज अभी दिख रही है क्या जबलपुर में?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि एक बड़े पैमाने पर जो टीमें बनाई गई हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं, 15 अगस्त शासन का आदेश है कि हमें 21 अगस्त के पहले से फर्स्ट और सेकेंड डोज सारे कंप्लीट करने हैं, वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है। लेकिन जबलपुर में 15 दिसंबर की डेट यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने रखी है और पूरे स्वास्थ्य अमले को ये जताया है कि हमें 21 दिसंबर का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें 15 दिसंबर को ही अपने जितने भी दोनों डोज हैं वैक्सीनेशन के वो कंप्लीट करने हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई 15 दिसंबर तक छूट भी जाता है तो फिर हम उनको घर घर ढूंढ कर ताकि उनको कंप्लीट कर सके। जी, लेकिन इसके बावजूद अगर लेकिन ये जो बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये भी है कि ये तो आपने कहा कि जो समय है वो निर्धारित किया गया है, ये भी बताइए कि पर डे अगर कोई आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है कि अमला जो है इतने इतने जगहों पर सेंटर्स बनाए गए हैं और पर डे का जबलपुर में क्या क्राइटेरिया है, कितने लोगों को डोजेस लगाए जा रहे हैं पर डे, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 दिसंबर तक जबलपुर के लोग कितने ज्यादा वैक्सीनेट हो पाएंगे। और अगर पर डे के हिसाब से आंकड़ा नहीं आ रहा है तो फिर स्वास्थ्य अमले को 15 तारीख तक भी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी जब हमने टीकाकरण अधिकारी से बात की तो उन्होंने जो कहा है कि हमने मिनिमम 40,000 पर डे का टारगेट रखा है, 40,000 मिनिमम वैक्सीनेशन सेंटर को का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। स्वास्थ्य अमले को बता दिया है कि हमें कम से कम जिले में हो या फिर ग्रामीण में या शहर में कहीं भी कम से कम 40,000 मिनिमम हमें पर डे का टारगेट लेके चलना है, और उससे ज्यादा भी हो जाते तो और अच्छी बात है, 50,000। ठीक है, तो जबलपुर में स्वास्थ्य अमले ने ही तय किया है कि 15 दिसंबर से पहले पहले वो चाहते हैं कि जबलपुर की तमाम जनता जो है वो सेकंड डोज से भी वैक्सीनेट हो जाए। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो मनीष ने हमें बताया कि पर डे का भी जो क्राइटेरिया सेट किया गया उसमें 40,000 से ज्यादा लोगों को पर डे उन्हें वैक्सीनेट करने का स्वास्थ्य अमले ने आंकड़ा रखा है, और इसी रफ्तार से वो आगे बढ़ेंगे तो 15 दिसंबर तक वो तमाम लोगों को जबलपुर के सेकंड डोज से भी वैक्सीनेट कर देंगे, और उसके अलावा भी अगर कोई बच जाता तो 31 तारीख तक और भी समय उनके पास बच जाएगा। बाकी जगहों पर भी जबलपुर के अलावा अभी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य अमला पर्याप्त तरीके से अपने तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर जनता ही ना निकले बाहर, आप ही ना चाहें कि आपको सेकेंड डोज लगे, तो स्वास्थ्य अमला कितने भी टीकाकरण केंद्र कितना भी अमला लगा लीजिए, आपका सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं होगा। हम पूरा प्रदेश कंप्लीटली वैक्सीनेटेड नहीं माने जाएंगे, और इसलिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब तक आप दूसरा डोज नहीं लगाएंगे आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं कहलाएंगे, और उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, अब तो सेंटर्स भी बढ़ा दिए गए हैं, टीकाकरण केंद्र भी बढ़ा दिए गए हैं, आपको कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है, आपको बस जाना है और टीकाकरण केंद्र पर अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी आईडी वेरिफिकेशन है वो लेकर जाइए और आप सेकेंड डोज भी लगवा सकते हो, कोई तकलीफ किसी तरह की नहीं होती। राष्ट्रीय शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय से सीधा सवाल कि शिवपुरी में सेकेंड डोज को लेकर टीकाकरण को लेकर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है? राशिद जल्दी से बताएं। बता दूं कि जी परल में आपको आवाज आ रही है? परल आप जी जी बताइए बताइए। परल में आपको बता दूं कि 10 नवंबर को सेकंड महाअभियान का आयोजन रखा गया जो कि 4 चरणों में रखा गया है, और यहां पर उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और लगभग उसमें बताया जा रहा है कि 25,000 लोगों को ये टीका लगना है। और अभी जो रफ्तार है उसको किस तरह से देखें, पर्याप्त टीके रोज लगाए जा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं और नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या किसी तरह से जागरूकता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? राशिद जी सरल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मतलब प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश टीका लगवाने में सबसे ज्यादा अव्वल रहा है, और अभी तक शिवपुरी जिले में 90% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है और सेकेंड डोज के लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि घर घर जाकर यह अभियान चलाया जाएगा और लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन समय 31 दिसंबर तक का ही है और बाकी जगहों पर तो स्वास्थ्य अमले ने खुद ही तय किया है कि 15 तारीख से पहले पहले वो दोनों डोजेस लोगों को लगा दें, उसके बाद भी कोई बचता है तो उन्हें भी वैक्सीनेट करने के लिए समय रहेगा। बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी देने के लिए। शिवपुर से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिवपुरी से माफ कीजिए, और राशिद में बता रहे थे कि इस वक्त आंकड़ा क्या टीकाकरण को लेकर शिवपुरी में बना हुआ है, लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं फर्स्ट डोज के मामले में, लेकिन सेकंड डोज के मामले में लोगों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, खासतौर पर ये मन ही नहीं बना रहे हैं कि वो सेकंड डोज लें, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथ ही कहीं ना कहीं एक लापरवाही बरत रहे हैं जिसका हर्जाना जिसका नुकसान आपको आने वाले समय में एक बड़ा हर्जाना लेना देना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना हो जाता है, और कोरोना अगर होता है तो दोनों डोज लगने के बाद आपकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं कर पाता, आपके लंग्स को खराब आपके फेफड़ों को खराब नहीं करता है।
संतोष शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, टीकाकरण अधिकारी। आप संतोष शुक्ला जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका, अनादि टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ। शुक्ला जी, टीकाकरण को लेकर सेकंड डोज में हम पिछड़ रहे हैं सर, वजह है क्या? देखिए अभी तक हम लोग लगभग फर्स्ट डोज तो 5 करोड़ के लगभग लगा चुके हैं, 4,99,78,000। सेकेंड डोज में हमने 2,16,00,000 लोगों को लगा लिया है और कुल मिला के 7,16,00,000 टीकाकरण हो चुका है मध्य प्रदेश में। ये बात सही है कि हम लोग अभी 64% पात्र कैंडिडेट्स को टीकाकृत कर पाए हैं, मतलब अभी 30% से ज्यादा हमारे सेकेंड डोज लगना बाकी है। इसमें हम आप सबके इस प्रोग्राम के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब आने वाले जितने भी समय है ये बहुत हमारे लिए दुखदायी होने जा रहे हैं, क्योंकि विदेशों में बहुत तेजी से बाढ़ केसेस की भी हो रही है, मृत्यु की भी समाचार आप भी पढ़ रहे होंगे, और पिछली बार भी जब था तो विदेशों से ही हवा मार्ग से बीमारी हमारे देश में प्रवेश करी थी। तो हम सबकी ये बुद्धिमानी और समझदारी है कि अगर हमने एक टीका लगाया है तो दोनों टीके लगाना निहायत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि एक टीका मात्र 40% सुरक्षा देता है, दोनों टीके आपके 90-95% आपका सुरक्षा कवच मजबूत कर देते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि जो लोग सेकेंड डोज से वंचित रह गए हैं उनको सहूलियत के लिए हम 4 महाअभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, और याददाश्त बनाए रखने के लिए इस बार हमने बुधवार का दिन मुकर्रर किया है। 10 तारीख को सबसे पहला चरण होगा, 17 तारीख को, 24 तारीख को और 1 दिसंबर, तो मतलब नवंबर में तीन चरण होंगे, एक चरण 1 दिसंबर को होगा। इसके लिए विशेष जो हमने व्यवस्था की है वो ये की है कि पल्स पोलियो का हमने अनुभव का लाभ लिया है, वो पल्स पोलियो में हमारे हितग्राही जो हमारे बच्चे थे वो कौन लाता था, उन्हीं के भाई बहन लाते थे मिनी पापा और मिनी मम्मी बनके। हम लोगों ने ये प्रयोग किया है मध्य प्रदेश में पहली बार कि हम उन्हीं बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी अब बूथ तक लाके टीकाकृत कराएंगे, और ये अनुभव इसलिए हम सशक्त मानते हैं कि हमने आयोडीन के प्रचार प्रसार में भी ये देखा था कि जो सदियों से नमक डिगले का खा रहे थे उसको अगर मोटिवेट कर पाया तो हमारे वो स्कूली बच्चे थे जिन्होंने जिद करी अपनी माँ और पिता के सामने कि हमें तो पुड़िया वाला नमक ही चाहिए। तो हमें हम ये देखते भी रहे हैं कि स्कूली बच्चे उन्हें अगर कोई समझाइश दी जाए तो वो घर में परिवार में उस चीज़ को भी समझाते हैं, बताते हैं, और उसके बाद परिवार भी समझता है, उस चीज़ को अमल करता है, फिर भले ही वो उनकी जिद को लेकर अमल करता। बहुत शुक्रिया संतोष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 चरणों में आगे महाअभियान दूसरे टीके को लेकर फिर से किया जा रहा है। देखिए, पहला चरण 10 नवंबर को होने जा रहा है, दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा, तीसरा चरण 24 नवंबर और चौथा चरण दिसंबर में रहेगा। जाहिर सी बात है दूसरे डोज को लेकर ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा डोज जब तक आप नहीं लेते तब तक आपका ये जो सुरक्षा कवच है ये 50% माना जाएगा, 90-100% 95% तक ये तभी हो पाएगा जब ये सुरक्षा कवच को लेकर आप ये सेकेंड डोज ले लेंगे। और उसको लेकर आप जो स्वास्थ्य अमला है या टीकाकरण अधिकारी हैं उन्होंने अपनी तरफ से नए प्रयास किए हैं कि बच्चों के जरिए अब जो सेकेंड डोज है उसको लेकर लोग जागरूक हो, परिवार जागरूक हो, ये पहल बच्चों के माध्यम से भी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो पल्स पोलियो अभियान छोटे छोटे बच्चों को उनके बड़े भाई बहन पोलियो की दवा पिलाने के लिए लाते थे, अब उन्हीं भाई बहनों का कर्तव्य है कि घर में भले ही जिद उन्हें करनी पड़े लेकिन अपने माता पिता या बड़ों को सेकंड डोज जरूर लगवाना है। और ये अब स्वास्थ्य अमला भी इस पहल को लेकर आगे बढ़ रहा है। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं, एक बार फिर से महाअभियान मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर और दिसंबर में, ताकि आप दूसरा डोज ले सके। ध्यान रखिए, दूसरा डोज यानी कंप्लीट सुरक्षा कोरोना से बचाव। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।